मेरठ से रवाना हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, शहीद स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा को रवाना किया गया। हिमाचल में जीत से उत्साहित कांग्रेस नेता 2024 में भी जीत का दावा कर रहे। अहमदाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है, बोले देश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर टेबल टेनिस खेलते हुए भी नजर आए, साथ ही अनुराग ठाकुर ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया और उनसे बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला, कहा सपा जब हारती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, सपा हार का ठीकरा कहीं भी फोड़ देती है। बहराइच में रुपईडीहा में बने अंतर राज्यीय रोडवेज बस स्टैंड का राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उद्घाटन कर दिया है, यहां से कई प्रदेशों के लिए यात्रियों को अब मिल सकेगी रोडवेज बसें। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। दयाशंकर सिंह ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि रामपुर का किला ध्वस्त हुआ तो चाचा भतीजे साथ हो गए, साथ ही डिंपल यादव की जीत पर बोले जनता ने सपा को वोट नहीं किया, नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने साउथ कोरिया में प्रतिष्ठित कंपनियों और दूतावास के अधिकारियों को संबोधित किया है, विदेश दौरे पर हैं यूपी सरकार के कई मंत्री। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा, पूर्व विधायक के भतीजे मनीष की 3 मंजिला इमारत होगी कुर, गैंगस्टर समेत कई मामलों में जेल में बंद है मनीष मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उठाए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल, बोले चारधाम यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान गई, पहाड़ों में खाली पड़े हैं अस्पताल। अल्मोड़ा में अपराध पर लगाम लगाने की पुलिस ने कवायद तेज की, पुलिस लाइन में आयोजित हुई क्राइम मीटिंग, साइबर क्राइम लंबित पड़े मामलों और सड़क सुरक्षा पर हुआ मंथन। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है, महिला कांस्टेबल की महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण करेंगी, 1 महिला दरोगा और 4 महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगे। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में कुलपति ने छात्रों और शिक्षकों से की मुलाकात, प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ बैठक की यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जानकारी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सड़क पर धूप सेकता दिखाई दिया किंग कोबरा, सड़क पर सांप को देखकर थम गई पर्यटकों की गाड़ियां, एबीपी गंगा के कैमरे में खतरनाक किंग कोबरा कैद हुआ। गंगोत्री धाम में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को हटाया, बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया, धाम के दोनों ओर सड़क पर लोगों ने अतिक्रमण किया था। कर्णप्रयाग में पैतृक गांव पहुंचा राइफल मैन सूरज सिंह का पार्थिव शरीर, पंजाब के भटिंडा में तैनात थे सूरज सिंह, कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गई थी जान। उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर अभी बर्फबारी के लिए करना होगा इंतजार, मौसम विभाग ने आशंका जताई 8 से 10 दिन तक मौसम में नहीं होगा कोई भी बदलाव। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग के बीच एमओयू को बढ़ाया गया है, अब मौसम की सटीक जानकारी के लिए साइन किया गया है एमओयू, किसी भी आपदा से लोगों को बचाने के लिए कवायद। 2023 में होने वाली चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां तेज, पौड़ी डीएम ने सभी व्यवस्थाओं को अभी से चाक चौबंद करने के निर्देश दिए, श्रीनगर बेस अस्पताल में हार्ट स्पेशलिस्ट की तैनाती पर जोर। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ में भी बनाया जा रहा है योग ध्यान केंद्र, नारायण पर्वत की तलहटी पर हो रहा है ध्यान केंद्र का निर्माण, श्रद्धालुओं को मिलेगी साधना और योग की सुविधा। रामनगर में जल्द तैनात होगी पर्यटन पुलिस, रामनगर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यटन सीजन को देखते हुए तैनात की जाएगी पर्यटन पुलिस। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारियों के लिए नैनीताल तैयार है, पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की सुविधाओं के लिए तैयारियां की गई है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया, महिला कांस्टेबल ही महिलाओं की समस्या का निस्तारण करेंगी। अल्मोड़ा के सोबन में जीना यूनिवर्सिटी के कुलपति ने छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की है, प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ ये बैठक हुई जहां यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जानकारी ली गई। कानपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, जीएसटी विभाग के दफ्तर के बाहर जमकर व्यापारियों ने नारेबाजी की, छापे के नाम पर व्यापारियों ने शोषण का आरोप लगाया। वाराणसी में जीएसटी विभाग की छापेमारी का विरोध, व्यापारियों ने कफन ओढ़कर जीएसटी विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का जीएसटी विभाग पर आरोप लगाया है। इटावा में भी जीएसटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल, व्यापारियों ने जीएसटी का पुतला दहन किया, जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर ने छापेमारी रोकने का आश्वासन दिया। प्रयागराज में भी जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में आक्रोश, छापे के नाम पर उत्पीड़न का व्यापारियों ने आरोप लगाया है, कई इलाकों में दुकानें बंद कर व्यापारियों ने जताया विरोध। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।